आगे नेक्स्ट जो है वो यही एजुकेशनल इथिक्स और कोड्स के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। हमने इथिक्स एंड कोड्स के पीछे जो स्लाइड्स पढ़ी थी उसको हम एलेबोरेट कर रहे हैं। तो एजुकेटर प्रोफेशंस में जो है आपको कुछ जिम्मेदारियाँ को कैसे जो है वो सिक्स जो है वो पॉइंट्स में आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इंटीग्रिटी एंड कंडक्ट आपका अच्छा होना चाहिए, राइटीनियस होना चाहिए, इसमें सच्चाई, इसमें जो है अच्छाई के सारे रास्ते जो है वो उस पर आपने चलना है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपने जो है कंटिन्यूसली अपने CPD करते रहना है, आपने जो है अपनी डेवलपमेंट करते रहना है, जो नए नए तरीक़ाकार आते हैं इंट्रक्शन के वो आपने जो सीखने आगे जो है। कॉलेजिलिटी एंड टीम वर्क, आपने टीम वर्क के ज़रिए जो है काम करना है, अपने कुलीग के साथ आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। आगे प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड्स फॉर द टीचिंग प्रोफेशंस, सबसे पहले जो टीचर को ये क्या है बी माइंडिंग, आपका माइंड अच्छा हो, आप जो है एक जो है बड़े ही मौसर अंदाज में जो है वो आपकी जो नॉलेज होना चाहिए, आप कंटेंट नावल नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद रीजनेबल एंड फोकस ऑन द बेस्ट एडवांटेज ऑफ द स्टूडेंट्स पीपल डिपेंडेंट्स ऑन टू केयर, और आपका फोकस हो, आपका ध्यान सिर्फ ये हो कि आपने वो अपने तमाम प्रोफेशनल क्वालिटीज़, अपने तमाम प्रोफेशनल जो स्किल्स मारते हैं वो बच्चों की बेहतरी के लिए आपने इस्तेमाल करना है। लुक फॉर देयर डेवलपमेंट, उनकी जो है अपने डेवलपमेंट करनी है। मोटिवेशन एंड प्रेज टू देयर अचीवमेंट्स, आपने उनको मोटिवेट करना है और उनको जो उनके काम पर ऊपर अपने फीडबैक देना है, पॉजिटिव फीडबैक देना है और उनकी हौसला अफजाई करनी है, उनको पीछे से थपकी देनी है, थोड़ा सा पीछे से पुशअप करना है। आजकल के बच्चे जो है ना वो तो बेचारे तरस रहे होते हैं कि उस्ताद जी हमें थोड़ा सी हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे काम को अप्रिशिएट करें। तो आपने वैसे ये इंस्पायरेशनल टीचर्स बनना है, ना कि आपने जो है डिसहार्ट नहीं करना। इंस्पायरेशनल टीचर्स जो होता है ना वो बच्चों को बड़े ध्यान से पढ़ाता है और बच्चों की हर जो है ज़हनी जिस्मानी समाजी ज़रूरतों को पूरा करता है और उनका जो है रहनुमाई और गाइडेंस के तौर पर गाइडर के तौर पर उनकी रहनुमाई करता है। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रिटी जो है आपका में हम जो है अभी प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिक टीचर्स आपने किस तरह क्लासरूम के अंदर अपने आप को एज ए अच्छे टीचर के तौर पर जो है कंडक्ट करवाना है और अच्छे टीचर के तौर पर आपकी प्रेजेंटेशन हो और आपकी साथ से किस तरह बच्चे जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं। तो प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस आर करेक्टराइज एज द वैल्यूज ड्यूटीज़ एंड प्रोफेशनल इथिक्स दैट इम्पैक्ट प्रोफेशनल डिस्पोजिशंस, वो तमाम खासियतें हैं, वो तमाम इखलाकी पहलू हैं, वो तमाम फ़राइज़ हैं और वो तमाम प्रोफेशनल असूल हैं जो कि असरानंदाज होते हैं। किस पर दी प्रैक्टिस टूवर्ड द स्टूडेंट्स, जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर, पार्टनर्स के ऊपर एंड अदर ग्रुप्स एंड इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स लर्निंग इंस्पायरेशन एंड डेवलपमेंट्स एंड आल्सो द टीचर्स ऑन प्रोफेशनल डेवलपमेंट्स। तो ये आपकी जो ज़ाती खसाइल होते हैं वे ये हमेशा ना सिर्फ बच्चों की फैमिलीज से रिलेट करते हैं, उसके बाद बच्चों की नफसियात के रिलेट करते हैं, बच्चों की इखलाकी समाजी और तमाम ज़हनी नशोनुमा को से मुतल्लिक होते हैं। तो इसलिए जो है बहसीत टीचर्स आपका प्रोफेशनल डिस्पोजिशन जो है क्लासरूम में वो बहुत ही एक्टिव और डायनामिक और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो आपके डिस्पोजल पर होते हैं, आप ही एक ऐसा खुद मुख्तार अथॉरिटी क्लासरूम में मौजूद होती है जिसको फॉलो करके बच्चे जो है अपना एटीट्यूड अपना रवैया तब्दील कर रहे होते हैं। क्योंकि जब हम एजुकेशन की पहली डेफिनेशन जो बेसिक डेफिनेशन करते हैं, एजुकेशन इज़ टू चेंज द बिहेवियर एटीट्यूड्स ऑफ द चिल्ड्रन, तो उसको अगर मद्देनजर रखें तो आप किसी भी अच्छे टीचर का जो प्रोफेशनल डिस्पोजिशन है वो बच्चे की जो है लर्निंग और उसकी ग्रोथ, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, उसकी जो लर्निंग्स पर बहुत ज़्यादा मुस्बत अंदाज में असरअंदाज हो रहा होता है। साथ साथ जो है डिस्पोजिशंस गाइडेड बाय द बिलीव्स एंड स्टार्स माइंड आइडेंटिफाई विद द क्वालिटी, तो फॉर ये मिसाल के तौर पर माइंडफुल है, फेयरनेस है, ट्रस्टवर्डीनेस है, रिस्पॉन्सिबल एंड सोशल जस्टिस है, ये जो क्वालिटीज़ हैं
आपके अंदर जो है आपके लेन देन अच्छा होना चाहिए, आप पर भरोसा किया जाना चाहिए, आप एक जिम्मेदार हों, आपका जो है समाजी इंसाफ जो है वो क्लासरूम के अंदर कर सकें। समाजी इंसाफ का मतलब होता है कि क्योंकि क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ कल्चरल डाइवर्सिटी और मुख्तलिफ जो है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो आपने किसी के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इम्तियाजी सलूक नहीं करना। हर बच्चे को उसकी इंडिविजुअल सलाहितों और इंडिविजुअल्स जो है कल्चर और सोशल बैकग्राउंड, चाहे जिसका भी बैकग्राउंड से वो ताल्लुक रखता है, आपने उसको पढ़ाना है जी। आगे फॉरेस्टर्स दे मे हैव इंपॉर्टेंट इनकॉर्पोरेट्स अ बिलीफ दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न अ ड्रीम ऑफ हाई एंड चैलेंजिंग स्टैंडर्ड्स एंड आर ए गारंटी टू आर सेफ आर स्टडी लर्निंग कंडीशन। मिसाल के तौर पर आपने इसके अंदर ये भी शामिल कर लें कि हर बच्चे को यह हक हासिल है कि वो एक हाई चैलेंज स्टैंडर्ड जो है वो हासिल कर सके, और आप फिर आपका जो डिस्पोजिशन है, आपकी जो रवैया है, आपका जो रवैया है, वो बच्चे को इस बात की गारंटी देता है कि वो जो है उनको उस बच्चे को उसकी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो है अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक जो है वो तमाम मौके जो है वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा।